पाक ऑनलाइन ट्यूशन में खुश आमदीद। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन दोस्तों के लिए जो कोरल ड्रा में स्पीड से काम करना चाहते हैं, मतलब कि स्पीड से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो मैं आज उनको कोरल ड्रा में ऐसी शॉट की बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप कोरल ड्रा में डिज़ाइन जो है स्पीड से बना सकेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने टूल्स पर क्लिक करना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना। अच्छा, ये जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह के आपके सामने मेन्यू सा ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमने शॉट की बनानी है, जो उनसे आपको लगे कि वर्किंग में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे, तो उसी को आपने ज़्यादा शॉट की पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि जो भी इनमें वो कमांड्स हैं वही आपने शॉट की पे लगानी है, और ये चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। तो सबसे पहले अगर आप मिसाल के तौर पे एक अनग्रुप या ग्रुप के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं कि मेरा जो वर्क है वो ग्रुप और अनग्रुप से ज़्यादा है, तो आप उसकी एक शॉट की बना लें ताकि वो अनग्रुप जो है माउस से क्लिक करने के बाद या मतलब कंट्रोल जी या कंट्रोल यू से मतलब थोड़ा सा स्पेस हो जाता है, लेट हो जाता है। तो आप ऐसा अपने कीबोर्ड से कीज सेलेक्ट कर लें जिससे आसानी से आप उसको अनग्रुप कर सकें, मतलब सेकेंड से पहले भी आप उसको अनग्रुप कर लें। तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले आपने यहाँ ऑप्शन पे आना है, इसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल जे है, ठीक है। ये कंट्रोल जे करेंगे तो इस तरह का आपके सामने पॉपअप एक ओपन हो जाएगा। तो अब हम बनाना चाह रहे हैं अनग्रुप या ग्रुप शॉर्ट की, तो उसका तरीका कार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और इसमें अरेंज पे आएंगे। अरेंज पे जब आएंगे तो यहाँ पे ये सारे ये अरेंज आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसमें ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अब इसमें हमने देखना है कि ग्रुप और अनग्रुप का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ठीक है, ये ग्रुपिंग का है। अच्छा, अब हमने इस ग्रुप की शॉट की बनानी है। अब आपका एक हाथ तो माउस के ऊपर होगा, दूसरा कीबोर्ड के मतलब ए के बटन पे होगा, एस के डी के एफ के, ये तो ऑलरेडी आपका जो वर्किंग करता है ये उसके हाथ जो हैं उंगलियां जो हैं इस इनवर्ड के ऊपर हैं, इन कीज के ऊपर रहती हैं हमेशा। तो आप इस तरह का जो है की सेलेक्ट करें, वर्ड सेलेक्ट करें ताकि आप आसानी से उसको ग्रुप या अनग्रुप कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जो यूज़ करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ग्रुप की जो शॉर्ट कमांड बनाई है वो सिर्फ डी की बनाई हुई है। तो मैं अब क्या उसकी शॉर्ट कमांड आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना अरेंज में आकर यहाँ ग्रुप सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर कमांड पर क्लिक करना है, ठीक है। कमांड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने शॉर्ट की पे प्रेस करना है। शॉर्ट की पे प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे डी प्रेस करना है। डी प्रेस किया और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जो जब डी प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक किया तो वो शॉर्ट कमांड यहाँ पे नीचे आ गई, पहले कंट्रोल जी थी और उसके बाद शॉर्ट की इसकी डी भी बन गई। अब ये दोनों रहेंगे, कंट्रोल जी भी रहेगी और डी भी रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अनग्रुप पे। अच्छा, अनग्रुप पे सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद अपने कीबोर्ड से एफ़ का बटन प्रेस कर दें, ठीक है। एफ़ का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट कमांड यहाँ पे आ गया, आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये शॉर्ट कमांड आपकी दो बन गई। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि पावर क्लिप जो है, पावर क्लिप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिज़ाइनिंग में। तो आप एक पावर क्लिप की भी शॉर्ट की बना लें ताकि आप पावर क्लिप में जब पावर क्लिक करना हो तो फौरन पावर क्लिक कर दें। प्लेस टू इनसाइड ऑब्जेक्ट में वो जो भी है ऑप्शन वो सारा आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब आएंगे पावर क्लिक की शॉर्ट कमांड बनाने तो यहाँ पे आप आएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे आप मतलब ये सारे ऑप्शन हैं, आपको जो ज़्यादा कमांड आप यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा ऑप्शन आप यूज़ करते हैं कि मैं इनके ज़्यादा वर्क करता हूँ, ये मेरे ज़्यादा इस्तेमाल है, तो आप उनकी शॉर्ट की बना सकते हैं। तो ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ आप उसी की बनाएं, जो आप ज़्यादा वर्क करते हैं जिस पे जो आपके इस्तेमाल में ज़्यादा उसी की शॉर्ट की बनाएं। अच्छा, आप पावर क्लिप की आपको बना कर दिखा देते हैं। अच्छा, यहाँ इफेक्ट में आना है, इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पर आपने पावर क्लिप का ऑप्शन आएगा ये प्लेस इनसाइड फ्रेम, ठीक है। ये
इसको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद अपने कीबोर्ड से क्यू का बटन प्रेस कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दें और ये पावर क्लिक की शॉर्ट कमांड ये भी बन गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप बना लें एक ब्लर की, जो हम ब्लर करते हैं, मतलब कि बिटमैप, जो भी किसी को इमेज को बिटमैप करके उसको ब्लर करना हो तो आप एक उसकी भी बना लें, वो ज़्यादा इफेक्ट में यूज़ होता है, 3D इफेक्ट में यूज़ होती है, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाएं बिटमैप में, यहाँ पे बिटमैप में आ जाएं, बिटमैप में आप यहाँ पे देख लें ब्लर वाली कौन सी ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा इस्तेमाल में है, जो भी आपके कमांड ज़्यादा इस्तेमाल में है, आप उसी शॉर्ट की बनाएं। यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन ये रहा। अच्छा, इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पे एस प्रेस कर दें, तो ये मैंने एस पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ओके कर दें। ये सारा कुछ करने के बाद आपने जस्ट ओके करना है और ये सारी शॉट की आपकी जो है अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सेलेक्ट किया, ये डुप्लीकेट किया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और डी प्रेस किया और ये ग्रुप हो गए दोनों, ये देखें ग्रुप हो गया। एफ प्रेस किया और ये ग्रुप हो गए। उसके बाद पावर क्लिप, पावर क्लिप ये देखें, अब मैं इसको पावर क्लिप करना चाह रहा हूँ इस येलो वाले को, तो अगर मैं यहाँ से जाऊँगा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप जस्ट सेलेक्ट करें और उसके बाद क्यू प्रेस करें और पावर क्लिप करें, तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। उसके बाद है ब्लर वाली ऑप्शन, ठीक है। अब इसको बिटमैप किया, बिटमैप करने के बाद आप एस प्रेस करेंगे तो ये ब्लर वाली ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको ब्लर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो सब दोस्तों को पसंद आई होगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से बस कुछ आपको वीडियो में ऊँच नीच नज़र आई होगी, तो जो भी मतलब ऊँच नीच हो उसके लिए माफ़ी माजरत, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ सब दोस्तों के लिए, जिससे आप सब दोस्त आसानी से डिज़ाइनिंग सीख सकें। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे यही रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।